23 में क्या कहता है जी, देखें 23 में कहता है भाई, स्पोर्ट्स क्लब वॉज फॉर्म ऑन 1 जनवरी ड्यूरिंग द ईयर द क्लब परचेज इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5,000 पेइंग बाय चेक। इक्विपमेंट खरीदा क्या एंट्री बनाई होगी, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। बताओ जो इक्विपमेंट खरीदा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होती है भाई, रिसीट एंड पेमेंट क्लब अकाउंट की कैश बुक होती है। तो ऑब्वियसली बात है, जब बैंक से पैसा जा रहा है तो कैश बुक में तो आना चाहिए, तो बी एस सी में से एक आंसर होना चाहिए, ए या डी तो नहीं हो सकता। तो बताओ वो जो हमने इक्विपमेंट खरीदा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आना चाहिए, वो बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो आंसर क्या बना, सी, कैश बुक में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इनकम स्टेटमेंट में नहीं आएगा। हाँ, जब उसको डेप्रिशिएट करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आएगी, इनकम एंड